हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, नए साल में बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जो सभी बीएड स्टूडेंट्स को जानना जरूरी है। जो बीएड कर चुके हैं उनको भी जानना जरूरी है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी जानना जरूरी है। ये क्या है अपडेट, मैं आपको जो है इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। अगर आपको बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। इस पर जो है बीएड वर्सेस बीटीसी एंड बीएड से रिलेटेड क्लासेस भी करवाए जाते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं ये अपडेट क्या है। देखो, एक्चुअली में अगर हम बात करें तो जो नया साल होने वाला है, जो न्यू ईयर हम मनाने वाले हैं, बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 10 जनवरी को हमारे लिए होगा, जिस दिन कि हम जो है बीएड जो है 1 to 5 में बना रहेगा और उसको जो है अलाउ किया जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एमपी से आ रही है। आप लोग सब जानते हो मध्य प्रदेश में जो है वर्ग थ्री है उसमें जो है बीएड को 1 to 5 में रखा गया है। तो यहाँ पर जो डीएलएड जो बीटीसी वाले लोग हैं वो उन लोगों ने जो है 2 जनवरी को जो है हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में जो है केस ओपन करवाने के लिए जो है वो कर रहे हैं, मतलब कि वो अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि 2 जनवरी से जो है वर्ग थ्री से बीएड को बाहर रखा जाए, जो भी वैकेंसीज आ रही है, और इसके लिए वो केस ओपन करवा रहे हैं। तो ये जो एमपी के बीएड कैंडिडेट्स हैं और जो मतलब एमपी में है अप्लाई करना भी चाहते हैं, जो बाहर के भी हैं, उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है राहुल नामदेव जी से कांटेक्ट कीजिए और बीएड के लिए जो है जो भी एफर्ट वो लोग बता रहे हैं, जो अखिल भारतीय बीएड संघ की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको जो है आप आगे बढ़ाइए। तो ये बीएड स्टूडेंट्स के लिए अभी एक ऐसा टाइम है जिसमें आपको साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। 10 जनवरी को जो भी फैसला आएगा, जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट से, वो तो सभी स्टेट में इम्प्लीमेंट होगा ही, लेकिन अगर इंडिविजुअली जो डीएलएड एंड बीटीसी वाले अगर जो है बीएड को लेकर के हाई कोर्ट तक जा रहे हैं वैकेंसी से बाहर निकलवाने के लिए, तो उसमें भी आपको जो है साथ में खड़ा रहना है और उसमें जितना आप मदद कर सकते हो, जो जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हो जरूर कीजिए। तो आप जो है बीएड अखिल भारतीय बीएड संघ जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए, और जिस तरह से एमपी के अगर आप हैं तो आप जाहिर सी बात है कि इसमें अपना जो है सहयोग दे सकते हैं और इसके बारे में जो है आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, हम सब वेट कर रहे हैं 10 जनवरी को लेकर के। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसके साथ साथ कोई भी अपडेट जो बीएड से रिलेटेड, बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड आ रहा है, वो सारे अपडेट भी आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं, ताकि आप अपडेट रहिए कि एक्चुअली में अभी चल क्या रहा है। इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आता है डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन।